अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल आ। अज फिर मैं दोबारा वेलकम कर दी अपने चैनल डिज़ाइन बाय शीलाज। अज मैं तानू बहुत ज़बरदस्त और बहुत प्यारी वलीमे दी फ्रॉक शेयर करूँगी। यदि कटिंग और स्टिचिंग आ, मैं यदि पेटी कटिंग कर रही हूँ। कटिंग हो चुकी आ, हूँ इनू मैं प्रेस कर रही हूँ और प्रेस करके अच्छी तरह यदि लुक कढ़ रही हूँ। रेशमी कपड़े नूं तुसीं जिन्ना ज़्यादा सिलाई करके मतलब उन्हों प्रेस करोगे अच्छी तरह, उहदी लुक फिर बैठेगी और अच्छी तरह ही वो सैट हो जाएगा। रेशमी कपड़े नूं कदी भी पानी दी प्रेस किते बगैर तुसीं इनू मतलब कटिंग और प्रेस नहीं अच्छी तरह कर सकते। हुण इस पेटी नूं मैं पिन्ना लगाऊंगी। पिन्ना लगाने तो बाद इनू मैं सारा अच्छी तरह एक जगह पर सैट कर लूँगी, फिर मैं तुहानूं इहदी कटिंग दसूँगी। ये चार शमीज़ा कटियां जाणगियां पेटी दियाँ, दो पेटी दे नीचे लगनगियां, दो ये एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े दे नाल लगनगियां ताकि ये लुक बहुत प्यारी आए। और आह सितारे वाला कपड़ा ये नाल ऐड करूँगी। आ सितारे वाला कपड़ा बहुत खूबसूरत और नफीस लुक देगा इस फ्रॉक नू, मतलब आ पेटी यदि हसीन बनने वाली आ। और आह सारा ही ये नाल अटैच करूँगी। ये हूँ अठ तेवां हो जाणगियां पेटी दियाँ। हुण कंधे का निशान लगाऊंगी 7 इंच का और 7 इंच ही नीचे की तरफ आ जाऊंगी, बिल्कुल सीधा सीधा। इत्थों हुण मैं सीने की मेयरमेंट लूँगी और कंधे की गुलाई करते हुए इनू सैट करके कटिंग कर दूंगी। हुण शमीज़ वाली पेटी जिहड़ी मैं पहलों कटिंग कर ली सी उनू रख के उपर कटिंग करूँगी, क्योंकि यह अठ अठ तेवां हो जाणियां और कैंची बिल्कुल भी साथ नहीं दिंदी कि मैं इनू कट कर सकां। इसलिए इनू मैं मतलब अलग अलग करके कटिंग कर दी हाँ ताकि आराम नाल कैंची चल सके, क्योंकि ज़्यादा कपड़ा आ जाता वा और कैंची चलाना बहुत मुश्किल हो जाता वा। आ हुण इहदा मैं घेर तैयार कर रही हाँ और इस फ्रॉक नू तकरीबन मेरा 35 तो 36 गज़ कपड़ा लग चुकिया वा। और इहदा आह घेरा बहुत सारा, देखो मेरी मशीन भी इस घेर नू कवर नहीं कर पा रही। हुण आ फ्रॉक तैयार दा लुक दिखा रही हाँ तुहानू मैं। हुण इहदी बैग जिहड़ी आ मैं सारी डोरी वाली बनाई आ ताकि मतलब आसानी दे नाल इह पहन हो सके। अगर इस डोरी नूं असीं खुला करांगे तो फ्रॉक आराम नाल पहनी जाएगी, और जदों असीं इन्हां डोरियां नूं खिंचांगे और आराम नाल बहुत प्यारी कमर दी फिटिंग निकलेगी और सीने दी फिटिंग निकलेगी बहुत प्यारी। आह लाण पाण दे विच बहुत ईजी होएगी इंशाल्लाह। बहुत खूबसूरत बहुत प्यारी फ्रॉक तैयार होने वाली आ। अल्लाह पाक उस बच्ची दे नसीब च करे। साड़ी प्रिंसेस ने पानी आ और उहदी वलीमा सेरेमनी आ। दुआ करियो अल्लाह पाक उहदा नसीब अच्छा करे। हुण देखियो किन्नी ज़बरदस्त लुक आनी आ इस पेटी दी तैयार होने तो बाद। आह जदों फ्रॉक तैयार हो जाएगी बिल्कुल, और इहदी फाइनल लुक भी तुहाडे नाल मैं शेयर करूँगी। और इनू मैं घेर दे विच भी डोरियां लगाइयां वा, अच्छी तरह घेर दे विच डोरियां लगाइयां। हुण इनू मैं खिंच लवांगी डोरी नूं। देखो खिंचण तो बाद फ्रॉक दी शेप खुद ब खुद पेटी दी निकल के आ रही है। आ देखो डोरियां इहदियां लग चुकियां वा और शेप भी साडी निकल आई आ। इह च हल्की जी सीने दी फिटिंग हो गई और कमर दी ते बहुत ही प्यारी इहदे विच फिटिंग आ गई आ साडी। देखो डोरियां लगन तो बाद इहदा लुक किन्ना प्यारा। हुण मैं तुहानूं इहदी सारी डिजाइनिंग दसूँगी। आ डिजाइनिंग इसमें कोई चीज़ भी स्किप नहीं करूँगी। आ हर हर चीज़ मैं तुहानूं इहदी दसूँगी कि मतलब एक एक बंच इनू मैं किद्दां कटिंग कर रही हाँ और किद्दां अटैच कर रही हाँ। आ समान सारा मेरे को अवेलेबल आ। अगर किसी नूं चाहिदा होएगा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करियो। आप बंचिज वगैरह हर हर चीज़ तुहानूं मिलेगी मेरे को इंशाल्लाह, क्योंकि कटिंग और स्टिचिंग दी मैं शदीद शौकीन हाँ। और मैं शदीद वाला मतलब डिज़ाइनिंग लिए ना वो आ मेरा दिल, और मैं बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग कर दी हाँ। इंशाल्लाह तुहानूं मेरी डिज़ाइनिंग ज़रूर पसंद आएगी। और आ सारे बंचिज वगैरह कटिंग करके और इन्हां नूं सैट करके बहुत प्यारी बहुत हसीन लुक असी पेटी दी कढ़ लवांगे। हुण इहदे च मैं कोई वीडियो दे विच तुसीं भी स्किप ना करियो, मैं भी इहदे विच कोई चीज़ स्किप नहीं कीती। हर चीज़ तुहानूं इहदे विच मैं दसूँगी कि मतलब किद्दां तुसीं किन्ना फ्लावर कटिंग करना वा, किहड़ी पत्ती कटिंग करनी आ, किहड़ी चीज़ कित्थे लगानी आ, हर चीज़ नूं मैं इहदे नाल शेयर करांगी तुहाडे नाल इंशाल्लाह।
ताकि तुसी इनू आराम ना देखते हुए वीडियो नू बहुत प्यारी तुसी भी इंशाल्लाह सेम ऐसी ही फ्रॉक स्टिच कर सकते हो और अपने ख्वाबा नू पूरा कर सकते हो। अल्लाह पाक तुहाडे नसीब च करे। और है ना हुण मतलब एक एक एदा जिहड़ा बंच आ ना वो सारा सैट कर करके दिखाऊंगी ताकि जदों भी तुहानू जरूरत पए कि असी इस फ्रॉक दी लुक निकाल सकीए तो तुसी आराम ना मेरी वीडियो देख के इस फ्रॉक दा लुक निकाल सको। Thank you.
अच्छी तरह गम दे नाल ना ये चीज़ जड़ी है ना चिपक के अच्छी तरह तैयार हो जाएगी। ये घेर के अंदर सारा बंच सैट किया वा ताकि फ्रॉग की जड़ी लुक है ना वो बहुत प्यारी आए। अच्छी तरह गम दे नाल चिपक जाने तो बाद ये टांकियां दे नाल अटैच हो जाएगी नू मशीन, तो मैं अच्छी तरह टांकियां दे नाल अटैच कर लूँगी। अटैच करने तो बाद हुण देखो तुसी बहुत प्यारी और हसीन लुक फ्रॉग दी तैयार है। हुण मतलब जड़ी बिल्कुल फ्रॉग दी प्यारी जी लुक तैयार है जिदे विच मैं अच्छी तरह इनू सैट करके हुण सिलाई वगैरह करके स्टिच करके हुण मैं इनू पूरी फाइनल लुक तड़े नाल शेयर कर दी हाँ। हुण मतलब पूरी फाइनल लुक तड़े सामने तैयार है।